नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज नीतीश कुमार ने 12 बजे दिन में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। पहले तो ये कहा गया था कि वो जेडीयू एमएलएज और एमपी की मीटिंग होगी, लेकिन अचानक से वो मीटिंग एनडीए की मीटिंग में तब्दील हो गई। अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि नीतीश कुमार ने ये बिल्कुल साफ कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पटना में उन्हीं का बोलबाला है, यानी कि बिहार की राजनीति में और बिहार के पूरे गठबंधन को चलाने वाला जो मेन ड्राइवर है वो नीतीश कुमार है, और उन्होंने अपने ढंग से अलग अलग संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन कुछ दिन पहले ही आपको इसी चैनल पर ही केपी मलिक साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके हवाले से हमने खबर दी थी कि एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग होगी जिसमें कि कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट का तो ये पता नहीं है, लेकिन हमने आज सुबह भी इस चीज को लेकर एक डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म पर कि अगर नीतीश कुमार आर और पार की लड़ाई में रख रहे हैं, तो अगर वो गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका करियर तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अगर वो गठबंधन में रहकर ही अपनी चाल को खेलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, बीजेपी उनको धीरे धीरे करके ध्वस्त कर देगी। तो बड़ा सवाल ये है कि भले ही वो बीजेपी को तेवर दिखाने की पोजीशन में हो, लेकिन क्या चाह कर भी बीजेपी के चंगुल से अब नीतीश कुमार नहीं निकल सकते? क्या बीजेपी ने एक तरीके से नीतीश कुमार के पोलिटिकल करियर को खत्म कर दिया है? आज इसी की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार वरिष्ठ मेहमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। केपी मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जिनके हवाले से हम लोगों ने कुछ दिन पहले खबरें की थी, आपका भी स्वागत है सर। रूपेश जी, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं सर, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा दीपक कोचगवे जी से शुरू करूंगी, क्योंकि उन्होंने फॉलो की थी कि आज इमरजेंसी बैठक में क्या हुआ। तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट दीपक जी आया या नहीं आया, या फिर काली सूत्रों के हवाले से ही खबरें आ रही बाहर? जी देखिए, ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, और ये मीटिंग के बाद जो खबरें आई और जो हमारे संपर्क थे, जो हमारे कुछ लोग जो बैठे होते हैं अंदर, वो भी होते हैं। देखिए, ये आज की बैठक जो जिस परिप्रेक्ष्य में हम सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि ये होगा, गिरिराज सिंह पर ये होगा, बहुत तरह की बातें, क्या नीतीश को निर्णय लेंगे, तो जब वो एनडीए के पास मीटिंग हो गई जब एनडीए की मीटिंग हो गई तो ये सारा चीज धराशायी हुआ कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो मीटिंग में बात होगी। मगर वहां नारा दिया गया पहले 2025 में 225 फिर से नीतीश, और उसका समर्थन बीजेपी ने ज्यादा किया, और बीजेपी के लोग जो बैठे थे वहां, और नीतीश कुमार का जो रुतबा था वो रुतबा सिटी गवर्नमेंट में देखा, आप फोटो भी देखे होंगे, और वहां लोगों ने बताया भी कि नीतीश कुमार के बगल में संजय झा, उसके बगल में दिलीप जायसवाल, उसके बगल में ललन सिंह, फिर इधर आ जाइए तो रामनाथ ठाकुर जो राज्य मंत्री हैं उसके बगल में, और गिरिराज सिंह सेकेंड रो में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए उनको सेकेंड रो में बिठा दिया गया और वो चुपचाप बैठ गए। इससे ये साबित हुआ कि नीतीश कुमार उनको आगे नहीं लाना चाह रहे थे, और नीतीश कुमार उनसे नाराज दिख रहे हैं, भले वो बात बड़े लेवल पर हुई होगी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और इनके बीच के ऐसा हुआ, वहां ऐसा दिखा नहीं। वहां पर जो बातें हुई उस बात में हुआ कि भैया जिला स्तर तक कोऑर्डिनेशन बनाइए, यानी जैसे कहा नहीं कि कटोगे तो बटोगे, उसी तरह से उन्होंने कहा कि मिलकर रहोगे तब ठीक रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। ये सीधा संदेश दिया नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी गठबंधन के हर एक तमाम दल के लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, चिराग पासवान के एमपी थे, वो सवाल उठा कि चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण मीटिंग में क्यों नहीं थे, तो उनके एमपी लोग आ गए थे। तो देखिए, जो भी बातें हुई, लोग भले कह रहे हैं कि बीजेपी, देखिए बीजेपी अगर मानिए तो बिहार में मजबूरी है नरेंद्र मोदी की, उनकी जो टीम है वो मजबूरी है, और उस मजबूरी में उन्हें नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को वो खोना नहीं चाह रहे, भले आगे वो क्या करेंगे
किस रेल में नीतीश कुमार के पार्टी को काटेंगे आने वाले समय में पता होगा, मगर अभी फिलहाल 2025 कहां, ये भी था कि समय से पहले चुनाव नहीं होने के संकेत है, समय पर ही होगा ये भी संकेत हुआ, और मुस्लिमों पर उन्होंने कहा पसमादा मुस्लिम को के बारे में हम लोगों ने बहुत किया है। आपको याद होगा पहले अली अनवर एमपी हुआ करते थे, वो पसमादा की बड़ी लड़ाई लड़े थे, तो उनको लेकर पसमादा और मुस्लिम के प्रति आप लोग घर घर जाइए और घर घर लोगों को बताइए, नए जो पैदा हुए हैं 2005 के बाद, जो नौजवान जो वोट देने वाले हैं 18 से 30 वर्षों को, उनको बताइए कि 2005 से पहले लालू के रिजिम में क्या होता था। यानी अभी भी लालू प्रसाद को वो लोग अपना हथियार बना रहे हैं कि लालू प्रसाद के राज में जंगल राज था, तो ये सारी बातें हुई। तो मिला जुला के और मीटिंग अकेले अलग अलग नहीं हुई, सारे लोग की मीटिंग एक साथ हो गई और एक ही बार में वो मीटिंग खत्म हुई। पहले था कि मीटिंग एमएलए की अलग से होगी, एमपी की अलग से होगी, एमएलसी की अलग से होगी और पार्टी के ये अलग से होगी। नहीं, नीतीश कुमार ने एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग की खिचड़ी बना दी, एजेंडा कुछ और था, ऐसा लग रहा था कि दबाव में आकर उन्होंने एजेंडे को चेंज किया, उसके बाद वो एनडीए की मीटिंग बन गई। आखिर संदेश क्या गया, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों के पास आती हूँ। संदेश आज नीतीश कुमार ने क्या दिया? संदेश ये गया कि हम बटेंगे नहीं और आप सब साथ होकर चुनाव लड़िए और अब अभी से शुरू हो जाइए, गांव गांव जाइए, लोगों को बात कीजिए। और एक बड़ा संदेश गया कि ना कोई जेडीयू का है, ना कोई हम का है, ना कोई आरएलएसपी का है, ना कोई रामविलास पासवान का है, ना कोई भाजपा का है, सारे लोग जेडीयू एनडीए के हैं। अब आप एनडीए का के नाम से जाएं, ये ना कहें कि हम फलाने पार्टी से आए, ये एक अलग संदेश गया कि हम अब पार्टी के लेवल पर नहीं बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एनडीए के सदस्य के रूप में, हम ये करेंगे। ये एक बड़ा संदेश गया और सबसे बड़ा हुआ है कि 13 से पहले ये चुनाव एनडीए की बैठक लगातार होती मतलब थी, 13 के बाद नहीं। नहीं नहीं दीपक जी, इसका मतलब ये है कि अरेरिया में रहना है तो हिंदू होना पड़ेगा, कटोगे बटोगे वाला जो पूरा जो ये सब क्या उस पर उन्होंने नीतीश कुमार को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, क्या एक तरीके से उन्होंने मुहर लगा दी है कि ठीक है भाई इसी तरीके की राजनीति से अब हम आगे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा, मैं देखिए नीलू जी, उन्होंने फिर कहा, आखिर नीतीश जी के लोगों के मन में ये संशय, उन्होंने दो लोगों का अब अपना पल्ला झाड़ के उन्होंने कहा कि दो लोगों के चलते हम गए थे आरजेडी में, अब वो दो लोग कौन थे, विजेंद्र यादव थे और वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम दिया गया, इन लोगों के चलते हम चले गए थे। तो ये सारी बातें वो अपना कन्फेस कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया था, और फिर कह रहे हैं कि अब कभी कहीं नहीं जाएंगे, दो बार गलती, ये फिर उन्होंने उस मीटिंग में कहा है। ये एक बड़ा अलग पहलू। ठीक है, अनिल जी, अब आपको, आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी के ऐसे चंगुल में फंस गए नीतीश कुमार कि अब वो चाह कर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के लोगों पर जांच एजेंसी इसका शिकंजा कस रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वो चाह कर भी नहीं निकल सकते बीजेपी के चंगुल से। जी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए, वो निकलना कब चाहते हैं, जो कि हम लोग असल में है क्या कि हम लोग सब्जेक्टिव ढंग से सब कुछ सोचते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्टिव उसका ये नहीं है, ये बात है ही नहीं कि वो निकलना चाहते हैं, निकलना चाहेंगे तब ना ये है कि निकल सकते हैं या नहीं, वो नहीं निकलना है उनको, और उनके और आज तो उस पर मोहर लग गई जब कहा कि 225 क्या 225 नीतीश कुमार क्या है 225 में 225 फिर से नीतीश, हाँ अब ये 200 का पार वाला नारा चल रहा है, समझ गए ना। तो ये एक तो हम लोग क्या है कि हम लोगों को लगता है नीतीश कुमार पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, वो जो संजय झा है वो बीजेपी के ही आदमी है, पहले रह चुके हैं बीजेपी में भी, वो आप ये इंडिकेशन दो तीन चीज पर इस पर ध्यान देने की बात है। जेडीयू की मीटिंग बुलाई थी, वो एनडीए की मीटिंग में कैसे तब्दील हो गई, ये कभी सुना है आज तक? इसका मतलब उनको समझिए आप कि जेडीयू की हालत क्या है,
कोई पार्टी ऐसा कर सकती है कि अपनी मीटिंग उसकी है और वो मीटिंग बदल जाए गठबंधन की मीटिंग में? ये बीजेपी कभी करेगी क्या? कोई भी पार्टी जिसको आप पार्टी कहते हैं, इसका मतलब कि नीतीश जी का पार्टी पर भी होल्ड नहीं रह गया है और जो पार्टी चलाने वाला सब है वो भी ले रहा है आदेश बीजेपी से। उनकी पूरी पार्टी जेबी पार्टी बन गई है, अब वो अलग से कुछ नहीं कर सकते, ये आप समझिए। जेबी पार्टी मतलब बीजेपी की जेब में बैठी हुई पार्टी, क्योंकि अगर आपने मीटिंग बुलाई, हम लोग तो यही सुने थे कि आज बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जेडीयू की मीटिंग, और बाद में पता चला अभी जवाई खबरें कि वो नीड एनडीए की, और एनडीए में शो ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में दिखा रहा है मीडिया। अब मीडिया तो सवाल नहीं कर रहा है उसको, अभी पूछना चाहिए कि ये जो अगर ये नीतीश कुमार का शो ऑफ स्ट्रेंथ था तो ये एनडीए के शो ऑफ स्ट्रेंथ में कैसे बदल गया? तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने उनको कहा कि आप अपनी अलग मीटिंग मत करिए, और वो या तो मान गए या उनके ही लोगों ने कहा कि अलग नहीं मीटिंग करेंगे अपन, इससे मैसेज गलत जाएगा, हम लोग एनडीए की मीटिंग करेंगे। तो वो मान गए, सरेंडर पूरी तरह कर चुके हैं और इससे कोई उम्मीद मत रखिए। वो आदमी बैठा हुआ है ये में मीटिंग में, जो आदमी हर जगह जाके कह रहा है कि मुसलमान को एक एक के बदले 100 थप्पड़ मारो, तो ये वो बकायदा बोल रहा है, उसके कटेंगे बटेंगे सब बोल रहा है, एकदम जहरीला भाषण उससे। उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, देश को बांटने के लिए डायरेक्ट वो एक ये क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है वो, और वो केंद्रीय मंत्री है, तो उन पर मुकदमा तो सेडिशन का होना चाहिए उन पर, लेकिन वो कर रहे हैं। और नीतीश कुमार बैठ करके वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं, वो बैठ करके उनके मीटिंग में एंडोर्स किया उन्होंने, अब ये दूसरे नंबर के पंक्ति में बैठे थे कि तीसरे नंबर के, हार्डली मैटर्स। सवाल ये है कि वो उस मीटिंग में बैठे हुए थे, और इन लोगों को तो बाहर से खबर आई है, मीटिंग में वो बोले या नहीं बोले या कोई चर्चा हुई कौन जान रहा है, ये किसी को पता भी नहीं है। और बाहर आके किसी जेडीयू के नेता तो नहीं कहा कि भाई ये जो मीटिंग है उससे हम डिसोसिएट कर रहे हैं, हम इसके पक्ष में नहीं है। बाद में वही सब चल रहा है कि जंगल राज था उससे मुक्त कराया, वो जो कुछ कुछ मैंने प्रवक्ताओं को सुना कहा कि हमको जिस तरह का बिहार मिला था, अरे बिहार 20 साल पहले मिला था, आज मिला है क्या? अब देखिए कि देश में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, कहीं भी हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, मरता है बिहार का आदमी, इसीलिए कि दुनिया भर में नौकरी का कटोरा लेकर के बेचारा भीख मांग रहा है पूरे दुनिया पूरे पूरे वर्ल्ड में। मतलब आप ये वहां जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है मिडल ईस्ट का, उसमें भी बिहार के लोग मारे गए और उनको रेस्क्यू करना पड़ा, जहां पर ये हालत है बिहार की। और उसके बाद ये जो है, उसके बाद हम लोगों का भी प्रॉब्लम है, हम लोग ये जो लोगों की जो समस्या है, जो अभी जिस तरह से कम्युनल डिवीजन कर रहा है एक केंद्रीय मंत्री, उसके बदले में बात करने के बदले नीतीश इधर चले जाएंगे, और इधर आके क्या करेंगे? अरे उनको लेने के लिए अगर ऑफर भी कोई करे तो तेजस्वी या किसी को भी अगर लेते हैं तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये क्या है भाई, ये इधर चले आए, क्यों चले आए भाई? वो इस तरह का राज चला रहे हैं ये में बिहार में, बकायदा वो चैलेंज कर रहा है एक पोलराइज करने के लिए, वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। और उसके बाद अब ऐसे सेकुलर अगर है कहते हैं लोग, तो ऐसे सेकुलर चीफ मिनिस्टर की क्या जरूरत है बिहार को? तो ये सवाल है, वो पूरा सरेंडर कर चुके हैं, और इससे ये मैं एकदम असहमत हूँ दीपक जी की इस बात के, उन्होंने अपनी ताकत, उनकी ताकत नहीं, इससे बीजेपी की ताकत का पता चला कि वो लाइन पे ले आए इनको, बिठा दिया, उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की, मैंने ये कहा। हाँ, वो जो है वो बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी कि वो अलग से मीटिंग नहीं कर सकते। बीजेपी की ताकत बिहार में नहीं है ये मानकर चलिए, ताकत होती तो दौड़े दौड़े उनके घर पर नहीं जाते मीटिंग में, ताकत होती तो वो बुलाते कि आप मेरे मुख्यालय में आइए एनडीए की बैठक कीजिए, बड़ी पार्टी की। अगर ताकत होती तो ठीक है। मैं एक मिनट जरा ये बात कहा इन्होंने, जरा मैं क्लियर कर दूं। ये देखिए, अगर नीतीश जी की ताकत नहीं है, बीजेपी की ग्राउंड पे कोई ताकत नहीं है,
नीतीश जी की ताकत नहीं थी ये बता दिया नीतीश जी ने खुद ही कि उनके सामने हम जो है हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे, जहां मीटिंग करना हो हमको कहेंगे हमारे ही घर पे मीटिंग कर लो, कर लीजिए, हम अपनी मीटिंग नहीं करेंगे, आप ही की मीटिंग, ये उन्होंने साबित किया। मैं एकदम जस्ट उसको उल्टा देख रहा हूँ, और उसमें गिरिराज सिंह को भी बीजेपी ने बुलाया, अरे ये मीटिंग हो रही है एनडीए की, गिरिराज सिंह को बैठाया है बुला करके, तो इनवाइट तो किया होगा ना। ठीक है, अब मैं केपी, हाँ, अब मलिक साहब के पास आना चाहती हूँ, फिर रुपेश जी के पास आऊंगी। मलिक साहब, आप आज के पूरी जो गतिविधियां हैं उसको आप कैसे देखते हैं? आप की आपने खबर की थी कि भाई कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन ये तो पूरी एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन नीतीश जी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शेर की जाल में फंस गए, बुरी तरह सरेंडर ही कर दिया, जो की बात अनिल जी कह रहे हैं। देखिए नीलू जी, मैं अनिल जी की बातों से सहमत हूँ, और नीतीश कुमार जी बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, उनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप ये देखिए, यहाँ पे दो तीन सवाल जो खड़े होते हैं, जैसा कि अनिल जी ने भी कहा, जब आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जेडीयू की, तो ये एनडी की मीटिंग में तब्दील कैसे हो गई? और आपने तो इमरजेंसी बुलाई थी, और आप बता रहे हैं कि हमने जो है 225 सीटें जीतने के लिए एक साल पहले आप बना रहे हैं क्या प्रोग्राम, इतने दिन पहले, और एनडीए की मीटिंग के साथ बैठ के बनाना है क्या? चिराग पासवान क्यों नहीं आए? गिरिराज किशोर क्यों पीछे बैठे हैं? उनको तो आपने ही बुलाया था, गिरिराज सिंह, वो आपकी मीटिंग में कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या गिरिराज जी नहीं तो आपको नहीं धमका दिया? बाहर आप कुछ और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और दिखा रहे हो, सही बात है, कैमरे तो थे नहीं अंदर, और मीडिया तो भोपू मीडिया है, जो आप मीडिया को बोलेंगे वो चला देगा। सवाल खड़े होते हैं, दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है। एकाएक जिस प्रकार से तेजस्वी के यहाँ मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, जिनका असर है जमीन पे, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो लगातार लालू यादव की पार्टी से संपर्क कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घबराहट है। दूसरा, जो गिरिराज सिंह माहौल बना रहे हैं, उस माहौल से भी नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था कि जेडीयू का भी बड़ा एक वर्ग है, पिछड़ा और मुसलमान, जो जेडीयू के साथ जाता है, इस हरकत से वो बिल्कुल कट जाएगा, और जो पिछड़ा और जो मुसलमान है, भले आप किसी भी पसमानदा की बात करें, कोई भी मुस्लिम समाज का कैसा भी व्यक्ति हो, वो जेडीयू के साथ नहीं रहेगा और वो लालू यादव के साथ चला जाएगा। हमें याद रखना चाहिए, जब नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, तो इनकी पार्टी के एक सांसद थे मुस्लिम समाज के, और वो लगातार पसमंदा का माहौल बनाते रहते हैं, पसमंदा की बात करते रहते हैं जी, उन्होंने हाँ जी, उनका नाम मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने अली अनवर, हाँ अली अनवर ने पार्टी छोड़ दी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश के साथ नहीं हूं, जो भाजपा के साथ जाएगा हम कैसे उसके साथ जा सकते हैं। तो जब इस तरह, और आप पसमानदा की बात करते फिर रहे हैं, तो ये सब दिखावे की बातें हैं। नीतीश कुमार जी बुरी तरह फंस चुके हैं, उनको पता है कि वो अकेले, जैसा कि मैंने सुबह भी आशंका की थी कि राजा खड़ा रह जाएगा और पीछे सेनापति सेना को लेकर निकल लेगा, इनका यह हाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना इनका, कोई रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, ये वहां बंधक बनाए जा चुके हैं, ये वहां हाउस अरेस्ट हैं, जैसा इनसे बुलवाया जाता है ये बोल देते हैं, ये खाली तोते की तरह बोल रहे हैं, इनके आगे पीछे कहीं कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। तो नीतीश कुमार ना बाहर आके कुछ कर सकते हैं, ना अंदर जाके कर सकते हैं। अब ये किस मामले में फंसे हुए हैं, क्यों इतना कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा, इनके दो तीन बहुत करीबी लोग हैं, जिन्होंने बीच में दो करीबी लोग हैं, दोनों शायद मंत्री हैं अभी, उन्होंने इनका गठबंधन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ कराया था, और उन्होंने बीच में त्यागपत्र देने की भी पेशकश की थी, तो नीतीश जी ने उनको ये कह दिया था कि अगर आप त्यागपत्र देंगे तो फिर मुझे भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, मैं भी कुर्सी पर नहीं रहूंगा। तो वो इतने करीबी लोग हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके अब कोई भला बिहार का नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश को उलझाए रहो और अपना पूर्ण कब्जा अगली बार ले लो। अगर नीतीश जी साथ में रहेंगे तो बहुत बढ़िया बहाना भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, और अगर नीतीश कुमार अलग हो गए तो माहौल बदल जाएगा। तो ये चीजें बाहर ना जाएं और एक माहौल ना बिगड़े, इसलिए नीतीश कुमार को साथ में लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है अब ये पुख्ता हो गया है कि चुनाव अर्ली होंगे और चुनाव दिल्ली के साथ ही होंगे। देखिए, आप मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग में
पशुपति पारस को बुला नहीं रहे हैं और चिराग पासवान आ नहीं रहे हैं, तो शायद वो भी एनडीए का हिस्सा है, तो वो क्यों नहीं आए फिर? तो कई सारी चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं, अब इन सवालों का जवाब आना बाकी है। और अगर नीतीश कुमार में कुछ भी थोड़ा सा हिम्मत बची है, ताकत बची है, तो मैं अभी भी दावा करता हूं कि वो पलटी मार सकते हैं। हमें खाली मीटिंग में कुछ नहीं निकल के आया है और हम आज मान के बैठ जाएं कि वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर नीतीश कुमार को लगता है कुछ भी कि आगे राजनीति करनी है और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो अभी भी वो झटका दे सकते हैं, हो सकता है थोड़े दिन वो शांत हो जाए। तो इसलिए अभी सवाल कई खड़े हैं और अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी नीतीश कुमार लड़ते हैं, तो मैं बहुत बढ़िया भविष्य कम से कम नीतीश कुमार का नहीं देख रहा हूं, उससे बहुत बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होगा और हो सकता है उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। जी इसी सवाल को ही मैं रुपेश जी से भी पूछना चाहती हूँ कि रुपेश जी, क्या बीजेपी में रहकर अब नीतीश कुमार ने अपने पैर में ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि वो चाहकर भी अब नहीं आगे बढ़ सकते, तो क्या उनका पॉलिटिकल करियर अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है, पतन की ओर बढ़ रहा है कि अब यहाँ से वो आगे नहीं जा सकते? जी रुपेश जी। जी जी जी, जी, जी। लगभग मुझे लगता है कि सबकी राय एक ही जैसी दिख भी रही है कि नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ गए तो उसके बाद उनका पॉलिटिकल खात्मा उसी समय हुआ। भले ही वो सीट उनके पास ज्यादा आया हो, अभी अति पिछड़ों का वोट के रूप में दिख रहा है, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर तो सही में जो लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ उससे बहुत स्पष्ट लगा कि जिस तरह से मंच पे दिखा या फिर उसके बाद जो लगातार प्रक्रियाएं बीजेपी के साथ वो जिस तरह से लगे हुए हैं, तो इसे ये दिख रहा। और अभी जो घटना हुई, इस घटना से भी ये स्पष्ट है कि बीजेपी उनको अपने कब्जे में किए हुए है और बीजेपी के साथ वो उनका जुड़ाव एक मतलब उस तरह से बना हुआ भी है। ऐसे वैचारिक रूप से नीतीश कुमार भले ही बाहर आकर के जब इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में आए थे तो भले ही बोले, लेकिन नीतीश कुमार का उदय तो एनडीए के साथ ही है, क्योंकि नीतीश कुमार जब वो जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब लोग गए थे, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वैचारिक रूप से वो वही है। अब वो वोट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं या परिस्थितियों के हिसाब से, जिससे वो इधर उधर करते रहते हैं, और ये इसलिए उनकी उनकी छवि हम लोगों के बीच में ऐसी बन गई है कि हम कुछ भी बात करें उन पर सही में विश्वास ही नहीं होता है, और इतना के बावजूद फिर एक बार लगता है कि वो इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन जो अभी चुनाव की परिस्थिति है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कम मुझे संदेह ही लग रहा है कि वो महागठबंधन के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ वो आएंगे, क्योंकि देखिए बिहार में प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है। चुनाव में जो प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव में लगे हैं, उससे वो अगर बोला जाए तो वो डिस्टर्ब किसको कर रहे हैं, इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार इस बात को वाकई देखते हैं और कैलकुलेशन उनका, राजनीतिक कैलकुलेशन उनका रहता है, तो हमेशा वो कैलकुलेटिव लीडर है, वो हमेशा कैलकुलेट करके चीजों को देखते हैं। वो उनका ना तो कोई कमिटमेंट से और चीजों से नहीं रहता है, वो कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन के आधार पे अपनी स्थिति को तय करते हैं। तो अभी प्रशांत किशोर का जो इनिशिएटिव जो दिख रहा है, उससे मुझे नहीं लगता, वो भले ही अपना बीजेपी में कुछ कुछ अपना वो स्टेप लेते रहते हैं, वो सीट बार्गेनिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है राजनीति में जिसको हम बहुत लोग विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन अंदर की जो राजनीति चलती है, वर्चस्व और पार्टी के अंदर में बनाए रखना, मुख्यमंत्री का पद उनको चाहिए या कोई ऐसा पद चाहिए, ये बहुत सारी चीजें चलती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं भविष्य के हिसाब से, कमिटमेंट के हिसाब से, वो लोग देखते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ पर होना है। ये दोनों में बेसिक अंतर रहता है। हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो परिस्थितियों का कमिटमेंट देखते हैं और वो क्या पहले कर चुके हैं इसके हिसाब से, लेकिन जब भी कोई इस तरह के राजनीति में जो है नीतीश जी जैसे लोग, वो जब अपना कैलकुलेशन करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं कि हमारा आगे जब तक हम राजनीति में हैं तब मेरा कहां पर हम रहेंगे, किस पद पर रहेंगे और पद से मेरी पहचान होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब हट जाएंगे तो उनकी शायद राजनीति में कोई उनको शायद नहीं पूछेगा।
तो इस तरह से देखते हैं। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि वो इधर उधर जाएंगे नहीं, वो ये बार्गेनिंग राजनीति की बार्गेनिंग होती है और मेरा मानना है कि वो बार्गेनिंग में वो लगे हैं और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ये देखिए इनके जहां तक परहेज है तो ये पहली बार नहीं है कि गिरिराज सिंह जी वहां पर आए हैं। गिरिराज सिंह के साथ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और फिर उनके चुनाव में उन्होंने प्रचार भी किया था। तो ये सब राजनीति में चलता है जो बहुत जिसको कि बहुत देख कर विश्लेषण आप नहीं कर सकते हैं। ये भले ही कभी कभी हम लोगों को लगने लगता है कि इसका माने ये निकाला जाए, लेकिन वो माने निकलता नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। अभी वो अभी थोड़ी भी दिख नहीं रही है कि वो इधर उधर जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा अगर रहता तो उनको मौका था। जब जाति जनगणना की बात हुई थी उस समय एक अवसर था उनके लिए, उस समय भी ऐसा ही चर्चा चल पड़ी थी। तो ये सारे उनके साथ ऐसा कई अवसर आ चुका है, लेकिन मैं जैसा कि पिछली बार भी मैंने यही बात कहा था अपने विश्लेषण में कि वह एक माहौल बनाना चाहते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं कि हम इतने स्थिति में हैं कि हम कल कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक कैलकुलेशन के हिसाब से वो अभी नहीं जाएंगे। बिहार की जो राजनीति है उसमें उन अपनी पावर में अगर रहना चाहते हैं तो वो वहां तक बीजेपी के साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चाहे पर वो बीजेपी के साथ सरेंडर कर चुके हैं, ये तो हम लोगों ने लोकसभा के बाद जब पहला एनडीए को समर्थन दिया जा रहा था तो उस समय आप लोगों ने देखा है कि वो किस तरीके से वो मोदी जी के साथ उन्होंने उनकी जो तस्वीर चली थी। तो मैं यही मानूंगा, और बीच में वो एक बार नहीं वो कई बार वो ये बात बोल चुके हैं कि मैं इस अब अंतिम हो गया, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये बात उन्होंने कहा है और मुझे लगता है कि हम अपना अंदाज लगाने से ज्यादा जो परिस्थितियां दिख रही है उस पर रहें। और ये बार्गेनिंग की राजनीति है, हम लोग को लगता है कि ये बार्गेन करने वाले हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज देश की राजनीति इसी तरफ चल रही है। जी अंतिम कमेंट्स के लिए अब आ रही हूँ, एक एक मिनट में अगर अपनी बातों को सब खत्म कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दीपक जी आपके पास आती हूँ कि क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव जब पास आ जाएं तो वो फिर पलटी मार लेंगे, उन्होंने जैसे पलटी मारा ही है, उसके चांसेस क्या लग रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियां तो अभी ठीक है, दिख रहा है कि वो अभी चंगुल में फंसे हुए हैं, वो चाह कर भी नहीं निकल सकते, लेकिन अगर समय आने पर वो धोखा तो बीजेपी को दे ही सकते हैं और हो सकता है वो दे भी दे। बहुत संक्षेप में, पलटी की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा उनको वारंटी ना होता है ना कोई गारंटी होता है, पलटी पलटी होता है। मगर मैं जो मान रहा हूँ कि अब जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कहा कि बार्गेन की राजनीति करते हैं, मगर अभी जो दिख रहा है मुझे अब दिख नहीं रहा है कि अभी फिलहाल कुछ वो डिसीजन लेने के मूड में है। वो चाह रहे हैं कि फिर से एक बार तो देखिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार बहुत क्या सोचते हैं क्या करते हैं, बहुत से पॉलिटिकल कमेंटेटर ने इस बात को कहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करेंगे नोबडी नोज, एकाध जो लोग जानते होंगे जो उनको गुड फेथ में रखते हैं। अभी जिस तरह से चुनाव 25 का है, जैसे मुझे भी लगता है कि जिस तरह से समागम हुआ, ये प्रेशर देने के बाद समागम हुआ दोनों पार्टियों का कि भाई आप आकर नीतीश कुमार एनडीए की बैठक बुलाइए, गलत संदेश जाएगा और गलत तरीके से ये ऊपर से आया होगा। मैंने फिर कहा था कि आज से दो दिन पहले उन्होंने राजगीर में पुरानी धाम के बारे में जब उन्होंने दोहरीकरण हुआ रेलवे लाइन का 256 किलोमीटर, उन्होंने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि बहुत बड़ा काम हुआ और भविष्य में हम लोग मिलकर विकास करेंगे। मैंने उसी दिन कहा था अपने चैनल में कि अब ये पलटने वाली बात जो चल रही है वो नहीं होगी, नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। हाँ, आगे पॉलिटिक्स क्या करेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, बीजेपी क्या उनको तोड़ना चाहेगी। देखिए अभी उन्होंने एक काम किया नीतीश कुमार ने कि जो चार जगहों पर चुनाव हो रहा है बिहार में, उसमें एक जगह जीतन राम मांझी इमामगंज में लड़ रहे हैं,
रामगढ़ में बीजेपी बक्सर में लड़ रही है, तरारी में भी बीजेपी लड़ रही है वहां, और बेलागंज में मनोरमा देवी को टिकट दे दिया नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से, जिनके घर एनआईआर की रेड हुई थी और वो सीधे गृह मंत्रालय के निर्देश पर रेड हुई थी, मगर उनको किसी तरह निकाल कर उनको टिकट मिल गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ना, ये नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार तो कमजोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसमें दो मत नहीं, और गिरफ्त में आ चुके हैं, अब उनको निकलने का कोई रास्ता दिखता नहीं। अब चुनाव में अब नारा हो गया एक बार थोड़ा, हाँ समय कम है, अब मैं सब संक्षेप में चाहूंगी। केपी मलिक साहब क्या कहेंगे आप, सर अनम्यूट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अनिल जी और रुपेश जी के पास आती हूँ। जी देखिए नीलू जी, ये जो नीतीश कुमार है, अभी ये बात भी हो सकती है कि कुछ और बार्गेनिंग कर लें कुछ महीने, उसके बाद पलटी मार लें, ये भी एक इनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि अब परिस्थितियां बची नहीं है, टाइम बहुत है, और जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जिस तरह बाकी जगह आप चीजें देख रहे हैं, अब मुझे ये मुमकिन नहीं लगता है। मैंने सुबह भी कहा था, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और जो विपक्ष है हरियाणा के चुनाव को लेके वो थोड़ा मायूस दिखाई देता है, तो कम से कम इंतजार करना चाहता है महाराष्ट्र और झारखंड का। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो नीतीश कुमार में भी कुछ दम पड़ सकता है, विपक्ष के लोगों में भी कुछ दम पड़ सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसी एक स्टेट में भी सरकार बना लेती है तो मुझे लगता है तमाम संभावनाओं को ब्रेक लग जाएगा, और फिर नीतीश कुमार जी चाह के भी एनडीए से बाहर नहीं आएंगे। अब आप ये देखिए ना कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अभी धन्यवाद दीपक जी ने बताया कि बड़ा धन्यवाद उन्होंने दिया, बड़ा अनोखा काम मोदी जी ने बिहार में कर दिया, बाकी जगह तो उन्होंने करा नहीं, अब इतना और वो अपने घर से उन्होंने तनख्वाह लगा के और गुजरात का सारा पैसा ला के बिहार में खर्चा कर दिया, तो धन्यवाद तो बनता है नीतीश जी के द्वारा उनका, क्योंकि बड़ा काम हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सब नाटकबाजी और राजनीति चलती है बीजेपी में, आपको ये देखना होगा कि जहां एक ओर आप गिरिराज सिंह से घिरवा रहे हैं नीतीश को, दूसरी तरफ उनके करीबियों पे छापे लगवा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में कह रहे हैं आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये कौन सी रणनीति है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इस पे लोगों को ध्यान देना होगा और इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, तभी कुछ इसका रास्ता निकल पाए। जी रूपेश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में जेडीयू को तोड़ के ही मानेगी, अंत में यही आएगी स्थिति कि नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे, जेडीयू के जितने लोग हैं सब बीजेपी में चले जाएंगे, या फिर पार्टी टूट टाट जाएगी, क्या ये संभावना आपको दिख रही है बहुत संक्षेप में? जी, जेडीयू में जो लोग हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पक्षधर हैं, इसलिए तो आज टूटे या न टूटे नीतीश के पास कौन होगा, अगर मान लीजिए ऐसे, लेकिन नीतीश के बाद कौन है उस पार्टी में लीडर, और अगर नीतीश नहीं होंगे तो क्या कोई लीडर उसका बन सकता है और ये पार्टी उसी तरह से रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। इसलिए वो बीजेपी के साथ जो है, ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ है। अली अनवर के बारे में चर्चा हुई, देखिए एक बार किसी को राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है, बार बार राज्यसभा का टिकट भी न मिले तो पता नहीं कितना पसमानदा का मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए हम लोग बात तो करते हैं लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ की बात होती है ना, उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं कि जब भी राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत अस्तित्व, व्यक्तिगत परिस्थितियों पर लिए जाते हैं, और ये अली अनवर जी का एक जरूरी प्रचारात्मक बात है और हम लोगों को लगता है कि ऐसा है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि वो दोबारा राज्यसभा के सदस्य नहीं बनने वाले, तो ये सब ये बात आती रही है बातचीत में, तो ये बात को भी हमको समझना होगा। तो इसलिए बहुत सारे जो एमएलए बने उन्होंने यहाँ जो उनके यहाँ जो आप देखेंगे बिहार में एक बहुत बड़ी रैली अल्पसंख्यकों की हुई थी, जिसके नतीजे में रिजल्ट में उनको दिया गया था एक एमएलसी उनको बनाया गया था कल होके, तो वो तो इनके खिलाफ रैली थी और कल होके वो इनके समर्थन में इनको एमएलसी मिला गया। तो इसलिए ये जो राजनीति इनसे पूरा समाज नहीं चलता है, जो राजनीति में रहते हैं उनसे मुस्लिम समाज की राजनीति और वोट अब उनसे सिर्फ नहीं चलती है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर हम कहें कि नीतीश जी के बारे में अगर हम कहें तो नीतीश जी और उनकी पार्टी भले ही इधर आ भी जाए लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है,
और उनके पार्टी में जो लोग हैं वो भी विश्वसनीय नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उनकी पार्टी तो एकदम बीजेपी में हो चुकी है। आप उनसे बात कर लीजिए, उनके किसी भी किन्हीं भी लोगों से, तो वो पॉलिटिकल कमिटमेंट या जो हम लोग आइडियोलॉजिकल बात जब करते हैं तो वो सब चीजें आपको वो उस रूप में दिख जाएगी। तो ये मानना कि वो बीजेपी का है और बीजेपी के साथ है, वो आगे भी जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी। तो नहीं तो इनके लिए अभी जो वो पलटी मारे, कोई परिस्थिति नहीं थी जिसमें वो आए थे वापस। वो सिर्फ नीतीश कुमार का मसला नहीं था, वो पूरे पार्टी के अंदर में जो लोग थे उनको लग रहा था अपने अस्तित्व की बात, और वो उसी विचार के हिसाब से वो कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे थे। तो इसलिए ये सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं और इस रूप में इसको देखना चाहिए जी। इसका मतलब तो ये है अंत में कि अनिल जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो भीड़ से घेरे तो हुए हैं नीतीश कुमार, दिखाने को वो मुख्यमंत्री है लेकिन एक्चुअली वो बहुत अकेले तकेले हैं इस समय, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं नीतीश कुमार, वास्तविकता यही है। नहीं नहीं, हमको लग रहा है अनिल जी से, अनिल जी से पहले बस मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ, आप भी छोड़ देना, कि क्या भविष्य के नवीन पटनायक होंगे नीतीश कुमार, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ जाना जी। वो उसको उसको देखने उसके लिए भविष्य के नहीं, अभी के नवीन पटनायक हो चुके हैं वो। अभी वो है कि नवीन पटनायक तो कभी गया नहीं उस तरह से अपना कुछ कुछ बनाए रखा, वो तो अभी के नवीन पटनायक है, उनका कोई उनकी कोई अब हैसियत नहीं रह गई है, ये आप मान के चलिए। अभी है क्या कि बिहार का सोशल इक्वेशन ऐसा है जिसकी वजह जिसका लाभ वो उठा रहे हैं, उनका कोई मांसपेश भी नहीं है। अब है क्या कि जो सोशल जस्टिस फोर्सेस में जो दरार है वो मानना होगा कि जो अति पिछड़े और पिछड़ों के बीच में एक दरार पूरे देश भर में जो बन रही है पॉलिटिक्स उसमें है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है कि जिसमें कि मौर्य इधर है और यादव इधर है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज उनका कोई बेस नहीं है, सब उनको पलटीमार ही समझता है। लेकिन ये है क्या कि इस दरार को अगर पाटने में जिस तरह से तेजस्वी सफल हुए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो अगर पाटने में जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा मेन मुद्दा उठाया था उन्होंने और उनको अपर कास्ट तक का वोट मिला था, लेकिन इस टेम्पो को बरकरार नहीं रख पाए, ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसीलिए नीतीश कुमार के बीच में और इसमें मैं मानता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को बनाए हुए हैं अभी तक, क्योंकि 20 साल से वो शख्स है वहां, बार इधर आके उधर आके, कोई जरूरत नहीं थी, जो टेम्पो बनाया था तेजस्वी ने उसको बरकरार रखना चाहिए, वो अभी नहीं रख पा रहे। गिरिराज सिंह ये क्या कहते हैं साफ चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो ग्राउंड पे होना चाहिए, सिर्फ CPIML के रैली हुई या न्याय यात्रा हुई और वो लोग मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के रूप में RJD ने जो करना चाहिए नहीं किया है। तो वहां पर एक जो जरूरत है कि इंडिया गठबंधन को रिवाइटलाइज करने की, वो चैलेंज इनके पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी और JDU को लोग जिताने वाले हैं, बीजेपी और JDU को जिताने वाले नहीं है, लेकिन इनको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और देखिए कितना मतलब, देखिए नीतीश कुमार का उनको भोलापन कहिए या उनका उनकी बेबसी कहिए या शातिरपना कहिए, 125 भोले तो किसी एंगल से नहीं, हमने कहा भोले तो किसी एंगल से भोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि भोला रहे, क्योंकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो लगता है वो पुराने समाजवादी हैं, इसीलिए चाहता हूं कैसा रहे, लेकिन है नहीं। अब अभी जो है, अभी क्या है कि 125 तो उनको पूरा होने में दिक्कत थी और उसके बाद वो 225 की बात कर रहे हैं। अब देखिए मतलब, देखिए बीजेपी का कितना सांस्कृतिक असर हुआ है, राजनीतिक असर छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार लोग ऐसे माने जाते हैं जो कि 5-10 साल पहले उनकी इमेज ऐसी थी कि झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ सही सही चीज बोलते हैं, लोअर लेवल की बात नहीं करते हैं। ये जो कैरेक्टर का चेंज हुआ है जो मोदी जी की संगत में, वो भी देखना चाहिए। ये जो 225 ये सब किसका है, ये बीजेपी का, कोई भी समझदार आदमी को लगेगा कि 125 है और एंटी इनकम्बेंसी रहने के बाद 125 बचाना मुश्किल है, तो ये 225 कहां से हो जाएगा। लेकिन अब वो बोलने लगे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं और उन्होंने एक
विजेंद्र यादव का जो आई है रिपोर्ट उसमें विजेंद्र यादव का नाम तक ले लिया कि इनकी वजह से हम दोनों बार गए। अब बताइए कि उनको, अब उनको वो ऊपर उठाना चाहते थे कि नीचे गिराना चाहते थे, ये भी आप सोचिए। अपनी ही पार्टी में अब उनकी ऐसी स्थिति है कि अपना जो बहुत पुराना सहयोगी है उनका और अच्छे मिनिस्टर माने जाते हैं, उनकी ये हालत है। उनको उनका नाम लेकर के अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने उनके बारे में कहा कि दो बार जो मैं बाहर गया यही शख्स, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम तो जाना ही नहीं चाहते थे। अब बताइए ये है उनकी हैसियत और स्थिति। अब उससे अगर हम लोगों को लग रहा है कि इधर उधर जाएंगे, ऐसा आदमी अगर चला भी आए तो मना कर देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। चलिए देखना होगा तो बाकी आगे क्या क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक कोजगवे जी, मलिक साहब, रूपेश जी, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।